हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 4 इन अवर लोगो प्रोग्रामिंग। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, किस तरीके से हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं लोगो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सिंबल्स, ऑपरेटर्स का मतलब होता है कुछ सिंबल्स जो हमें हेल्प करते हैं कुछ अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन लास्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास तीन तरीके के यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे इनका क्या मतलब होता है और हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर कब यूज होता है? दिस कमांड इज यूज टू कंपेयर टू नंबर्स। कभी भी हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ग्रेटर देन। इफ द नंबर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हम अगर दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हमें क्या रिटर्न होगा? ट्रू। तो हमें लोगो क्या रिटर्न करेगा कि ये ट्रू है। अगर हमने ये कंडीशन लिखी और वाई बाई चांस बड़ा होता है तो हमें क्या आंसर आएगा? फॉल्स। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट 45 इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो हमें क्या रिटर्न करेगा आउटपुट में? फॉल्स। 50 इज ग्रेटर देन 45, तो इस ऑपरेशन में हमें क्या यूज होगा? ट्रू रिटर्न होगा। ओके, सो हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं लोगों की और वहां पे एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम क्लियर स्क्रीन करते हैं और क्लियर टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रिंट 50 इज ग्रेटर देन 45, तो हमें क्या रिटर्न होगा? ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। सेकेंड हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट 50 इज ग्रेटर देन 55, तो हम 50 को 55 से कंपेयर कर रहे हैं, हमने ग्रेटर देन का साइन लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज देखो आप, राइट हैंड साइड वाली देखो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। उसी तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब तक राइट हैंड साइड ऑफ ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेटर हमेशा जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो हमेशा जब अगर वैल्यू बड़ी होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा? ट्रू। एल्स हमें क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। ओके, और सेकेंड ऑपरेटर है लेस देन। दिस कमांड इज यूज टू कंपेयर टू नंबर्स। ये कमांड भी हमें टू नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज होती है। इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर इज लेस देन द नंबर, इफ द नंबर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड वाला नंबर में छोटा होगा, क्योंकि हम लेस देन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? लेस देन। अगर लेस देन के राइट वाला, ये राइट वाला नंबर है, ये लेफ्ट वाला, जब तक लेफ्ट वाला नंबर हमारा छोटा होगा हमें क्या रिटर्न करेगा लोगो? ट्रू। अगर ये नंबर बड़ा हो गया तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तक ये नंबर बड़ा है तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें लोगो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। दो नंबर कंपेयर करने हैं हमें, एक्स और वाई, ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे? लेस देन। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? लेस देन। लेस देन क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू कंपेयर टू नंबर्स, कि हम टू नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है इक्वल टू। एक और ऑपरेटर है इक्वल टू। दिस कमांड इज यूज टू कंपेयर टू नंबर्स। इसमें भी हम टू नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑन द राइट साइड, दिस डिस्प्ले द ट्रू। तो यहाँ पे हमें अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, अगर ये दो वैल्यूज इक्वल हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हुई, हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे, इक्वल मतलब अगर एक्स भी 45 है वाई भी 45 है तो क्या रिटर्न करेगा हमें? ट्रू। और अगर हमने कंपेयर किया एक्स इज इक्वल टू 5 लेकिन एक्स की वैल्यू 50 थी, वाई की वैल्यू 60 थी, तो हमें लोगो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। हमें बताएगा कि ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। एक बार स्क्रीन पर चलते हैं, हम देखते हैं इक्वल टू का परफॉर्म करके। तो एक बार हम इक्वल टू प्रिंट 50 इज इक्वल टू 50, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें? ट्रू। सेम वे में हम प्रिंट करके देखते हैं,
50 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे 50 इज इक्वल टू 90, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो बिल्कुल सही रिटर्न कर रहा है हमें। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर को